बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। महिला मरीज के साथ रेप करने के मामले में फंसे विवादित लोकप्रिय हॉस्पिटल में वैसे तो आए दिन मरीजों से इलाज के नाम पर ज्यादा वसूली को लेकर मारपीट व बवाल होने के कारण ये हॉस्पिटल विवादों में फंसकर सुर्खियों में रह चुका है। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर एक और सवाल उस समय खड़ा हो गया जब हॉस्पिटल प्रबंधन ने सरकारी आयुष्मान कार्ड को मानने से इनकार कर मरीज से जबरन करीब 2.5 लाख का भुगतान करने का दबाव बनाया और आयुष्मान कार्ड को मानने से साफ इनकार कर दिया। मानसिक बीमारी के चलते 28 नवंबर को निरुपमा नामक महिला को इलाज के लिए लोकप्रिया में भर्ती कराया गया था। महिला की हालत बिगड़ती देख उसको आईसीयू में भर्ती कर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। जब हॉस्पिटल में मरीज के तीमारदारों से पैसा जमा करने की बात कही तो परिजनों ने आयुष्मान कार्ड का हवाला देकर भुगतान करने से मना किया तो आयुष्मान कार्ड के मामले देखने वाली निशा मित्तल ने कार्य के अंतर्गत ऐसी बीमारी की सुविधा के सरकारी भुगतान का कोई प्रावधान नहीं बताया। इसी बात को लेकर तीमारदारों व हॉस्पिटल कर्मचारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बवाल बढ़ता देख नौचंदी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत किया। बाद में हॉस्पिटल के डायरेक्टर से तीमारदारों व पुलिस की बातचीत हुई जिसके बाद आयुष्मान कार्ड को लेकर विवाद थमा। परसों पेशेंट का कार्ड बन के आ गया, मैंने इनके बेटे को बुलाया। मैंने कहा सर अब यहाँ का काम आपका खत्म हो गया, आप जो भी हॉस्पिटल टाई अप पर है न्यूरो के में। मैंने कहा मैडम कहाँ पे है? मैंने कहा जी आनंद वो सॉरी सुभारती और एप्सनोवा है, आपको दोनों में से जहाँ भी आपको शिफ्ट कराना है वहाँ शिफ्ट करा सकते हो। 3 लाख का बिल बनाने के बाद मैडम आप बता दे रहे मेरी पेशेंट के साथ वालों से इतनी बात हुई, मैंने उन्हें सारी बातें मालूम करके हॉस्पिटल में सुभारती में भी और एप्सनोवा में मरीज को बता दिया। इतनी बात मेरी हुई है, आज ही मैडम मुझे बताने बस क्योंकि आपके साथ मैं इस तरह जानना चाहूँ जिनके पास कार्ड है हॉस्पिटल से इनको उस कार्ड के क्या फायदा है? सर ऐसा है श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये योजना है इसमें ये है सब हॉस्पिटल वालों ने गिनी चुनी ब्रांच ली हुई है। गिनी चुनी ब्रांच लेने के बाद हमने जो ब्रांच ली हुई है हड्डी और हार्ट में ली हुई है हम उसको एंटरटेन करें। सब हॉस्पिटल ने अपने अपने हिसाब से ब्रांच ली हुई है। आप वहां तो कह सकते हैं कि मैंने मरीज को मिसगाइड किया है जहां पर मैंने उसका कार्ड ना बनाया हो या उसे टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्मेशन ना दी हो, लेकिन ये जो मैडम आज कह रही है ये सारे इनके आरोप ज्यादा है। इस कार्ड का इन हॉस्पिटल से कुछ फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? सर इस ब्रांच में नहीं मिल पाएगा, न्यूरोफिजिशियन की ब्रांच तो में नहीं। पहले मना क्यों नहीं किया? आप पहले मना कर देते ना, जब नहीं है सर ये सुविधा नहीं थी तो आप पहले मना करते। जिसका मरीज सीरियस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा। या मैं एज ए आयुष्मान मित्र किसी को कह सकती हूँ कि आप अपने मरीज की छुट्टी करा के ले जाइए, उसकी जगह मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कल को कोई भी हो सकता है। मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा काम बताना है और मैंने बार बार आपको बता रही हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने टाइम टू टाइम मरीज को बताया। उसकी मानी जाएगी ना पीड़ित की मानी जाएगी? तो आपके पास पैसे आ गए, आपको लौटाने पड़ रहे हैं तो आपको जोर पड़ रहा है। सर मेरी बात आप बता रहे हो आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, है नहीं? ये बात बताइए, मैंने उसको समय समय पर जानकारी ना दी। ट्रीटमेंट होने के बाद आप बता रहे हो कि यहाँ आप कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप मरीज के साथ वाले को यहाँ बिठाइए ना, इस बात को वो डिनाई करेगा तभी तो मैं मानूंगी। मैं आपकी बात आप कहे जा रही है, आपकी बात आप ही लोग तो मान सकते हैं, मरीज के साथ वालों से तो सुनो, उससे तो पूछो कि मैंने उसे ना बताया हो। आप कह रही हैं आपने नहीं बताया। मैडम आ जाए आप तो मेरे पास। अक्षत सक्सेना नाम है, मेरी मदर का नाम निरुपमा सक्सेना है। उनकी 29 नवंबर को रात में तबीयत खराब हुई थी तो हम यहाँ पे लोकप्रिय लेके आए थे। फिर उसके बाद ब्रेन में क्लॉटिंग थी, उनका बीपी बहुत बढ़ गया था, तो उसके बाद पहले तो हम कैश में थोड़ा पेमेंट कर रहे जैसे ये मांगते 10-10 हज़ार पहले वो कर रहे थे। फिर उसके बाद हुई कि हम बाद में एक से इकट्ठे करेंगे। उसके बाद उसके परसों तक बिल था 1,37,000। उसके बाद वो शाम तक का बिल था और अगले दिन दोपहर तक का बिल हो गया फिर 2,10,000, जिसमें टेस्ट भी मैं डॉक्टर से रोज़ मिल रहा था दोनों विजिट में, तो उसने कोई ऐसा टेस्ट महंगा भी नहीं करा या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था और तब भी 2,10,000 बिल बन गया। और जब मैंने डॉक्टर की फ़ीस पूछी थी कि डॉक्टर की फीस कितनी है तो उन्होंने कहा था 1,000 और जो उन्होंने रिसिप्ट दी उसमें 1,500 लिखा हुआ है। और फिर कल तक और वो 2,10,000 बना था उसमें प्लस मतलब दवाइयाँ अलग से थी, उसमें दवाइयाँ उसमें इंक्लूड थी, दवाइयाँ अलग थी उसमें। क्या कह रहे हैं आपको? और हमने 55 पे पहले जमा कर दिया था तो अभी हमारा कंडीशन तो हमारी फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, तो हमारे ये था कि हम शायद गवर्नमेंट में कर हम उनका कार्ड बना हुआ क्या करते हैं
हाउसवाइफ थी, हम मैं ट्यूशन पढ़ा के वैसे करता था, और हमारे फादर है नहीं, उनकी डेथ हो गई थी 2007 में, तो उसके बाद ऐसे चल रहा है। और हम लोग फिर हमारा हुआ कि शिफ्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास इतनी फाइनेंशियल नहीं थी, तो पहले मेडिकल में कर पता चला वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं था, और वेंटिलेटर पे हैं वो अभी, तो उसके बाद ये कहते हैं जब आप, हमने कहा हमारा 55 एडवांस जमा है आपके पास, तो बोले हाँ वो जब आप डिस्चार्ज कराएंगे आप तब मिल जाएगा आपको, लेकिन डिस्चार्ज कराने से क्या मतलब, आप हमारा पैसे दे दो 55,000, हमने आपकी पेमेंट कर दी जो क्रेडिट में चल रहा था, उसके बाद हमारे 55,000 जो आपके पास एडवांस पड़े वापस दे दो, और अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हम कैश में पेमेंट करते रहेंगे। तो बोले नहीं, हम एक ही बार जब आप डिस्चार्ज कराओगे तभी 55,000 देंगे, हम बार बार चेक का वो नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर मतलब ये बात अभी सुबह हुई थी कि उन्होंने कहा था जब आप डिस्चार्ज कराओगे तब हम 55,000 वापस करेंगे आपके, और कि मतलब हाँ ये करेंगे। और कार्ड का क्या फायदा मिला अभी तक आपको यहाँ? इसका कोई फायदा नहीं मिला अभी तक हमें, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सिर्फ हार्ट का है, न्यूरो का यहाँ पे नहीं है, न्यूरो का सुभारती में, लेकिन सुभारती में पता करा सुभारती में सिर्फ न्यूरो सर्जरी का है, फिजिशियन का नहीं है, लेकिन मम्मी का फिजिशियन चल रहा है, मतलब सर्जरी उनकी नहीं होनी है, यहाँ से निकाल ले जाइए आप, यहाँ से निकाल के, और वहाँ पे, और वहाँ पे भी नहीं है। और ये लोग कह रहे थे कि सिर्फ इसमें सिर्फ 5 दिन रख सकते हो आप हॉस्पिटल में, उसके बाद 5 दिन बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसमें भी 5 दिन में एक दिन में सिर्फ 36,000 आप खर्च कर सकते हो अगर पेशेंट ICU में, जिसमें सब होगा टेस्ट, डॉक्टर की विजिट और दवाइयों का खर्चा, स्टे, ICU का खर्चा, सब नहीं, कुछ भी फायदा नहीं मिला इस कार्ड का अभी तक। और पैसे अभी हमारे एडवांस इनके पास पड़े हैं, वो भी कह रहे हैं जब डिस्चार्ज कराओगे तब बता देना। और कल इन्होंने हमारी फाइल भी बंद कर दी, क्योंकि पहले कल था कि हम शिफ्ट करेंगे, तो इन्होंने शिफ्ट का कुछ ऐसा नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने फाइल हमारी बंद कर दी। डॉक्टर विशाल विष्णु ही कर रहे हैं, वो तो थोड़ी मतलब हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हैं वो बात, लेकिन जो हॉस्पिटल है या जो अथॉरिटीज़ हैं वो सब वो उन्होंने बिल गलत बनाया ये बताया, लेकिन हमें समझ में थोड़ी आया किसके कितने चार्जेस बने हुए हैं, ये चीज़ तो हमें समझ में नहीं आएगी, तो हमारा तो बहुत ज़्यादा बिल बन रहा है, और इन्होंने एडवांस ले रखा है मतलब 55,000, वो कह रहे जब हम डिस्चार्ज करेंगे तब पे करेंगे बाद में। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।